हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि एक ये हिंदुस्तान एक भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ हर मजहब को आज़ादी से रहने की इजाज़त है। फिर आप एक ही मजहब को क्यों आप निगलेक्ट कर रहे हैं? ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि हम लोग यहाँ हमेशा गंगा जमुना तहजीब के तहत हर धर्म के लोग एक साथ रहते हुए आए हैं। इस तरह ईद और दिवाली एक साथ मनाते थे, आज भी मनाने की कामना व्यक्त करते हैं। और ये मैसेज हम चाहते हैं कि सरकार तक पहुँच जाए, सरकार जो हम लोगों को बरगलाने के काम कर रही है, अपने वोट बढ़ाने के लिए हम लोग को जो हिंदू मुस्लिम में बांट रही है, सरकार ये करना बंद कर दे, क्योंकि अब हम लोग बटने वाले नहीं है। और हम लोग सरकार का बहुत शुक्रगुजार है कि आज एक प्लेटफार्म पर लाके खड़ा कर। अगर वहाँ से सड़कों से नहीं पहुँची है तो सरकार हमें बताए कि हमारी आवाज़ उन तक कहाँ से पहुँचेगी? तो हम उनसे सुसाइड तो कर नहीं सकते ना, हमारे कौम में इजाज़त नहीं है सुसाइड करने की। हमारा हालत तो इस कदर हो गया है कि ना हम जी सकते हैं ना हम मर सकते हैं, तो हम करेंगे तो करेंगे क्या? इसमें तो सिर्फ 6 धर्मों का नाम आया जिसमें हमारा नाम भी नहीं आया, और उसमें से 6 धर्मों को ये बोलना पड़ेगा कि हम अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं, उसको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान से हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ रह करके भी हम लोग को बोलना नहीं पड़ेगा कि हम यहाँ से हैं, बाहर का हम लोग को बोलना पड़ेगा कि हम लोग बाहर से आए, तब हम लोग को नागरिकता मिल भी सकती है। और नहीं वापस नहीं ले रहा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, मर जाने धरती में गवा जाने, लेकिन उठेंगे नहीं जब तक काला कानून वापस नहीं लेंगे तब तक। भारत के लोग सरकार को चुनते हैं, सरकार कौन होती है कि वो हमें चुने? ये हम सरकार को नहीं रेट दिए कि वो हमें चुने, हम सरकार को चुन के लाए हैं और हम सरकार को हटा भी सकते हैं। वो बिल्कुल फंडामेंटल जो राइट है हमारा वो हमसे छीनना चाह रहा है। सरकार जो है सो आप देख रहे हैं हिंद राष्ट्र। चलिए आज मैं पहुंचा हूं कोडरमा के हसनाबाद में। यहां पे NRC CA और NPR के विरोध 7 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन में महिलाएं उतरी हुई है। चलिए इन महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों का विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा और इन लोगों का क्या मांग है। तो चलिए मैं यहाँ के महिलाओं से बात करते हैं। आपका विरोध प्रदर्शन क्यों है NRC CA पे? हमारा ये विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि CAA जो कानून आया है वो संविधान के खिलाफ है, और जब असम में NRC हुआ तो वहाँ पे 19 लाख लोग निकाले गए NRC से। NRC लिस्ट में 14 लाख गैर मुस्लिम हैं और 5 लाख मुसलमान। तो CAA के तहत मोदी सरकार गैर मुस्लिम जो है 14 लाख उनको आप नागरिकता दे रहे हैं, बाकी 5 लाख उनका आप कहीं नाम नहीं ले रहे, ये तो संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि एक ये हिंदुस्तान एक भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ हर मजहब को आज़ादी से रहने की इजाज़त है। फिर आप एक ही मजहब को क्यों आप निगलेक्ट कर रहे हैं? ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि हम लोग यहाँ हमेशा गंगा जमुना तहजीब के तहत हर धर्म के लोग एक साथ रहते हुए आए हैं, एक साथ मिल करके रहे हैं। आपका क्या कहना है मुद्दे पर? इस मुद्दे पर हमें यही कहने हम लोग हमेशा से साथ रहे हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जिस तरह ईद और दिवाली एक साथ मनाते थे, आज भी मनाने की कामना व्यक्त करते हैं। और ये मैसेज हम चाहते हैं कि सरकार तक पहुँच जाए, सरकार जो हम लोगों को बरगलाने के काम कर रही है, अपने वोट बढ़ाने के लिए हम लोग को जो हिंदू मुस्लिम में बांट रही है, सरकार ये करना बंद कर दे, क्योंकि अब हम लोग बटने वाले नहीं है। और हम लोग सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज एक प्लेटफार्म पर लाके खड़ा कर दिए। चलिए यहाँ काफ़ी तादाद में छात्रा भी है, चलिए उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन लोगों का विरोध प्रदर्शन क्यों है, क्योंकि उन लोग अपने एजुकेशन छोड़ के यहाँ पे आई है विरोध प्रदर्शन में। तो चलिए अगर कोई छात्र में बोलना चाहे तो आज आप लोगों का ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? हम लोगों का प्रोटेस्ट काला कानून के अगेंस्ट चल रहा है। हम लोग चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि वो अपना ये जो कानून है उसे वापस ले लें। और अगर हमारी तो हालत इस कदर मतलब ख़राब हो गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। शाहीनबाग की औरतें 2 महीने से भी ऊपर हो चुका है उन लोगों को बैठे हुए, उसके बावजूद भी सरकार मतलब उनके कान उनको हमारी आवाज़ अगर वहाँ से सड़कों से नहीं पहुँची है तो सरकार हमें बताए कि हमारी आवाज़ उन तक कहाँ से पहुँचेगी? तो हम उनसे बोलेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे सरकार से, और सरकार से यही अपील करेंगे कि वो अपना काला कानून वापस ले लें, और अगर नहीं हो सकता है तो सरकार हमें दे दे इंडोनेशिया इजाज़त। हम सुसाइड तो कर नहीं सकते हैं ना, हमारे कौम में इजाज़त नहीं है सुसाइड करने की। हमारा हालत तो इस कदर हो गया है कि ना हम जी सकते हैं ना हम मर सकते हैं, तो हम करेंगे तो करेंगे क्या?
तो सरकार से हम अपील करते हैं कि आप इसे वापस ले लीजिए या तो फिर हमें इंडोनेशिया की इजाज़त दे दीजिए कि हमें कोई जहर दे के मार दे, पर हम यहाँ से अब हटने वाले नहीं हैं। अब ये जंग छेड़ चुकी है, अब जब तक जितनी जल्दी जितना जारी रहे वही बेहतर है, पर सरकार अगर वापस नहीं हटेगी, नहीं वापस लेगी तो हम सरकार ये कह रही है कि हम तो एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो हम भी नहीं हटेंगे, हम लोग भी नहीं हटेंगे। इतनी तादाद में लोग बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग का प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है कि ये जो कानून आया है CA, NPR, NCE, IRC सबको हटाने के लिए, ये सब गलत है। ये हम लोग का क्या था, वो जो क्या फंडामेंटल था, वो सब राइट्स, वो हम लोग का राइट्स जो है, ये तो हम लोग का राइट्स के खिलाफ है ना। हम लोग का राइट था राइट्स इक्वलिटी, मतलब हम लोग सब एकता में है, तो बांटा जा रहा है एकता में सबको, हिंदू को अलग, मुस्लिम को अलग, ये सब क्या है, ये सब गलत है। हम लोग को सब एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। ये जो धर्मों के खिलाफ बांटा जा रहा है, ये बोला जा रहा था कि CA क्या है, बोला जा रहा है CA धर्म में, एक मुस्लिम का तो नाम नहीं आ रहा, बुद्ध कार है, जैन कार है, फारसी कार है, क्रिश्चियन कार है, सिख कार है, मुसलमान का तो नाम नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा भाई, जब वोट लेने का था हम लोग तो वोट दिए। सरकार ये कह रही है कि CA से नागरिकता दी जाएगी, किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, तो हाँ। फिर प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? देखिए ऐसा कोई बात नहीं, आपको जो बोलना है, सरकार को जो बोलना है वो बोला जा रहा है। देखिए वहाँ पे शाहीन बाग में की आइए, हमसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, तो जाइए वहाँ बात कीजिए, आप जो बात है वो रखिए। ऐसा तो कोई बात नहीं कि सरकार बोल रही है कि हम लोग को नागरिकता देगी, तो क्यों निकाले सब इसमें, क्या है CA में, ये मुस्लिम के खिलाफ है, हम लोग को नागरिकता नहीं दी जाएगी इसमें। इसमें तो सिर्फ 6 धर्मों का नाम आया जिसमें हमारा नाम भी नहीं आया, और उसमें तो 6 धर्मों को ये बोलना पड़ेगा कि हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं, उसको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान से हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ रह करके भी हम लोग को बोलना नहीं पड़ेगा कि हम यहाँ से हैं, बाहर का हम लोग को बोलना पड़ेगा कि हम लोग बाहर से आए, तब हम लोग को नागरिकता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, बताइए। और हम लोग अगर लड़े भी तो कानून में बताइए कितना, 18 लाख कुछ केसेस पेंडिंग है, हम लोग कहाँ जाएंगे, कितना केसेस पेंडिंग है, वो बड़े बड़े केसेस पेंडिंग है, तो इन सब बात कौन सुनेगा, कोई नहीं सुन रहा। सरकार तो आराम से जो चाहे वो करे। NPR आ गया, बताइए NPR आ गया, NPR में क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो, है ना, उसमें क्या बोला जा रहा, आपके घर घर सब आएंगे सरकारी दफ्तर से, कोई भी टीचर उचर है पूछेंगे कि आप कितने लोग हैं, वो जनगणना है, एक जनगणना था जो साल में 5 साल में होता था, वो ये जनगणना नहीं, उसमें पूछा जाता था कि घर में कितने लोग हैं, आप कहाँ के, ये वो, पर इसमें ये नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछेगा आपके पापा कहाँ के, आपकी मम्मी कहाँ के, आपके पेरेंट्स कहाँ के हैं, उन लोग कहाँ से आए हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट दिए, कहाँ पैदल ही, क्या आप हम लोग कहाँ से प्रूफ करेंगे भाई। पहले जो आ रहे हैं आदमी घर में, बहुत से डिलीवरी घर में होती थी, अब तो पहले जाने कहाँ बनता था डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसा तो कुछ बनता नहीं था ना, अब ऐसा बन रहा है, अब ऐसा हो रहा ना, तो ये कानून जो आ रहा है, बताइए कहाँ से हम लोग ये कानून में ये करेंगे। और बोला जा रहा है कि CA जब आएगा तो, लेकिन सरकार कह रही कि NRC अभी लागू नहीं होगा, अभी उसका ड्राफ्ट भी नहीं, देखिए पहले NPR आएगा, NRC तो आएगा, पहले सीढ़ी चढ़ेगा ना आदमी, पहले छत पे नहीं जाएगा ना, सीढ़ी आदमी छत पे जाता है ना, तो वो हम लोग धीरे धीरे कुंजी हम निकालेंगे, धीरे धीरे अटैक कर रहे हैं वो, पहले छोटा से ऊपर फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा कर रहे हैं ना, अचानक से आदमी अटैक नहीं कर सकता ना, वो धीरे धीरे हमला कर रहे हैं। वो क्या देखिए बताते हैं अमित शाह क्या लिखे हम लोग के ऊपर प्लानिंग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक मिशन बनाए मुसलमान मुक्त भारत, सुनिए हम लोग पर मिशन बन रहा है, क्या हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं है, जो हम लोग पर मिशन बन रहा है, क्या हम लोग यहाँ पे वोट दे दिए, क्या हम लोग का राइट्स नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स जो बना है वो हम लोग का 6 जिसमें अधिकार है वो कहाँ गया, वो हम लोग का भी, उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि ये मुसलमान के लिए राइट्स है, ये हिंदू के लिए राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स आपके लिए है या आपके लिए नहीं, सबके लिए राइट्स है, सबके लिए, तो उसमें हम लोग कैसा हो जा रहा है यहाँ पे। गांधी जी क्या बोले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, कोई काला कोई गोरा कोई नाटा मोटा कोई भी है भाई, इक्वलिटी है, ये राइट्स में फंडामेंटल राइट्स में इक्वलिटी है, ये सब सब कुछ भी भेदभाव नहीं है, तो आज भेदभाव क्यों हो रहा है बताइए, आप क्यों की जा रहे हैं। देखिए बोला जब जब वोट लेने की बारी थी तो आप बोले कि
ये क्या बोले थे जो 2014 में उनका ये आया था सरकार आया था तो बोले कि अच्छे दिन आएंगे तो ये है अच्छे दिन रोड पे बैठ के अच्छे दिन है आप बताइए क्या है अच्छे दिन आप बोले रोजगार आएंगे आप बोले कि किसानों को ये मिलेगा जगह जमीन मिलेगा उन लोगों को इंशाल्लाह शिक्षा बच्चों को शिक्षा मिलेगा आज हम बता दें जिस कॉलेज में पढ़ रहे वहाँ के सर हमको क्या बोलते हैं हम एग्जाम देने के लिए गए तो हम बोले सर क्या बीजेपी के तो क्या बोलते हैं हम बीजेपी के हम बोले तुम कौन सी पार्टी हो तो हम बोले आम आदमी है तो क्या तुम्हारा एग्जाम नहीं लेंगे क्या हो क्या रहा है ये सर बोल रहे हैं कि स्टूडेंट को कि वो बीजेपी और हम आम आदमी पार्टी है तो वो मेरे एग्जाम नहीं लेंगे ये क्या हो रहा है आप बोलते हैं कि शिक्षा दो कहाँ शिक्षा यहाँ तो टीचर ही खिलाफ है स्टूडेंट के क्या शिक्षा देंगे वो यहाँ तो पार्टी देखा जा रहा है क्या कौन पार्टी से आप आगे आगे बढ़िए आप ये पार्टी से तो देशद्रोही है अब सरकार के कंजूम खिलाफ है तो देशद्रोही है देखिए जब जीएस में शाहीन बाग में गोली मारा था एक लड़का वो कम से कम 23 एज का था उसको बोला गया कि तुम नाबालिग हो और जब छोटा बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा तो उसको बोलता देशद्रोही हो मतलब हम आपके खिलाफ है तो हम देशद्रोही है और आपके खिलाफ है तो हम देशद्रोही आपके साथ है तो हम क्या कौन सी नाम है देश के साथ देशभक्त है ये क्या हो रहा है बताइए मोदी सरकार जवाब दे हम लोग को यहाँ बैठे हम लोग भूखे आप लोगों से बात करके देखते हैं कि क्योंकि यहाँ महिलाएं एकदम अपना पूरे घर से उतर कर यहाँ प्रोटेस्ट में आ गई है तो चलिए और देखते हैं और लोग अगर कुछ बात करना चाहे तो देख सकते हैं यहाँ लोग की तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है उनके हालात थोड़ी गंभीर स्थिति में लग रहे हैं उन्हें पानी पिलाया जाए सरकार इस मुद्दे पे जल्द से जल्द लोगों से बात करे और इनका कुछ सोल्यूशन निकाले ना अच्छा पता चल रहा है यहाँ के लोग इस विरोध प्रदर्शन में हैं और साथ में रोजे रख रहे हैं इनके लिए देश में अमन चैन शांति बरकरार रहे उसके लिए रोजे भी रख रहे हैं तो देख 18वां दिन यहाँ का प्रोटेस्ट का हो गया है 18वां दिन में यहाँ तक अभी तक कोई सरकार के लोग आप लोगों से बात करने के लिए नहीं आया हम लोग के पास अभी कोई भी नहीं आया पूछने भी नहीं आया कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं सो हम लोग इसलिए बैठे हैं कि काला कानून ये जो मोदी और अमित शाह जो निकाले हैं जब तक के ये वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे मर जाने धरती में गड़ा जाने लेकिन उठेंगे नहीं जब तक के ये काला कानून वापस नहीं लेंगे तब तक के हम लोग को वोट लेने में मोदी सरकार नहीं पूछे कि आप लोग के कहाँ गए सो अभी अमित शाह और मोदी सरकार पूछ रहे हैं कि आप लोग हिंदुस्तान के नहीं है हम लोग कहाँ जाएंगे हम लोग को हिंदुस्तान जो यहाँ की बूढ़ी दादी माँ है उन लोगों से बात करता हूँ चलिए आप लोग यहाँ आए दिन प्रोटेस्ट में हैं तो आप लोगों का ये नहीं लग रहा है कि जो जरूरी मुद्दे थे यहाँ की जीडीपी है बेरोजगारी है गरीबी है उन पर विरोध प्रदर्शन होना चाहिए उनसे सरकार से बात करना चाहिए लेकिन ये मुद्दे लाके लोगों को भटकाने का काम तो नहीं किया जा रहा है इन पर आप लोगों का क्या कहना जिस मुद्दे पे काम करनी चाहिए ये प्रोटेस्ट हम क्यों कर रहे हैं सरकार जो है सो CAA को पास करवा दी 2019 दिसंबर में तो नागरिकता संशोधन कानून ये काला कानून है ये संविधान के खिलाफ है इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं जी हमको बिल्कुल प्रदर्शन करना चाहिए बेरोजगारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकिन जब हमारी सरकार बेवाहियात सरकार जो है पहले भी बोल चुके हैं ये बिल्कुल बेवाहियात सरकार है ये काला कानून ले आई है NPR NRC CA ये बिल्कुल पहले वापस ले ले और जो मेन मुद्दा है उस पे काम करे CA जो सरकार लाई है तो सरकार हम भारत के लोग सरकार को चुनते हैं सरकार कौन होती है कि वो हमें चुने ये हम सरकार को नहीं रह दिए कि वो हमें चुने हम सरकार को चुन के लाए हैं और हम सरकार को हटा भी सकते हैं वो बिल्कुल फंडामेंटल राइट है हमारा वो हमसे छीनना चाह रहा है सरकार जो है सो हमको बोल रहा है कि तुम यहाँ के नागरिक हो ही नहीं है तो हम कैसे नहीं यहाँ जन्म लिए हैं मतलब कि यहाँ हम पले बड़े हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं
आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। सरकार तो ये नहीं कहा कि आप लोग यहाँ के नागरिक नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो मतलब कि सिर्फ वो ये नहीं ना कह रहे कि जिसके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट है वो यहाँ के नागरिक, बिल्कुल नहीं मान रहे। वो कह रहे कि 1970 के पहले, 1970 के पहले जो सरकार ये कह रही कि अभी NRC लागू नहीं होगा, अभी उसका कोई ड्राफ्ट नहीं आया। NRC वो लागू नहीं कर रही, मगर वो NPR जो है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, उसके वो आएंगे 1 अप्रैल से, जो जनगणना 10 साल के बाद होता है। 2011 में हमारा जनगणना हो चुका है, तो अब तो जनगणना अभी होने का है ही नहीं है। तो फिर ये अप्रैल में जो NPR सरकार कर रहा है, ये उसी का NRC का ही एक समझिए तो NPR में है, उसमें जो 21 कॉलम बढ़ाया गया है, जिसमें माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, हमारा तो अभी तो बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, तो हम अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लेंगे? और दूसरी बात, कि अभी उस जमाने में माँ बाप बच्चे घर में पैदा किया करते थे, राइट फैक्ट है कि नहीं है? तो वो हम कहाँ दौड़ेंगे? हम अपनी रोजी रोटी खाएंगे, हम पिएंगे। और ये सरकार ये चाहती है, अभी भी बेटे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम दौड़ धूप करते करते रह जाए और ये दर पीढ़ी अपना शासन यहाँ करते रह जाए। और ये वोटिंग का ये नया तरीका है कि अगले 24 में कोई वोटिंग नहीं हो और यहाँ हम अपना राजतंत्र शासित कर दें।